ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं, मुसलमान मेरा चलता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई, प्लीज देखिए आप इधर। कंप्यूटर दिमाग कंप्यूटर जट। तो राम राम भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कारी नेताओं का फनी मीम्स क्लिप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे प्रार्थना की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की, कोई सेंसेस बात की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया, इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और दुनिया मांगे खाला की लड़की, हम मांगे फुप्पी की। आए है, क्या बात है। दुनिया वालों ये देख लो, ये है इस्लाम की खूबसूरती। तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की थी? कल 5 रुपए की थी, आज 15 रुपए की हो गया, और सिलेंडर तुम चाहते हो 400 रुपए नहीं रहे। क्या कमाल है यार। प्रॉपर्टी दे रही है खाने को, प्रॉपर्टी खाने को दे रही है, प्रॉपर्टी खाने को नहीं सोने को दे रही है प्रॉपर्टी। मेरी बात सुनो, सिलेंडर कुछ महंगा नहीं है, आपके दिमाग में महंगा है। एक घुस चुका है कि महंगा है। ये कहाँ 500 कमाते थे, आज 1000 कमा रहे हैं। उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो पैसा भी तो बढ़ रहा है। ये नहीं देख रहे हो कि एक दिन में दिहाड़ी कितनी मार रहे हो? अच्छा, आज से 15 साल पहले 200 रुपए जाड़ी होती थी, आज 700 रुपए जाड़ी है। 80 रुपए से जाड़ी करी है, 70 रुपए से करी है ना, वो कब करी है? करीबन 20 साल से पहले। 20 साल से पहले। तो फिर जब 80 रुपए करी है, आज कितनी हो गई? 700 रुपए। 500 का 450, 500। ये रहे कारीगर है, 500 मान ली, कितने गुना बढ़ गए? ये तो कई गुना बढ़ गए भाई। योगी जी को बोलो एक निर्दलीय खड़े हो जाए, अपनी पार्टी बना ले, हम तो योगी जी को वोट दे देंगे। लिख के ले लो, कलकत्ता का केस वेस्ट बंगाल का उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर दो, 2 दिन में रिजल्ट ले लो, 3रे दिन केस खत्म, 4थे दिन फाइल बंद, और 5वें दिन बंदा जो है वो किसी की बहन बेटी को हाथ लगाने से पहले सोचेगा। बोले अपराधी कहाँ है? बोले सर ये तो था सर, हम तो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब ब्लैक कलर की रोल्स रोवर से, लैंड क्रूजर से बाहर उतर रहा होगा और लाल किले में जा रहा होगा, अरे हे क्या अजब नजारा होगा, रेड कारपेट पे भगवाधारी प्रधानमंत्री। अब वाला भी बढ़िया है, मगर अब वाला थोड़ा सीधा है भाई। मूलचंद जी ने स्नान किया? जी मैडम। मूलचंद जी ने नाश्ता किया? जी मैडम। मूलचंद जी के कपड़े इस्त्री हुए? जी मैडम। तो कहाँ है मूलचंद जी? जिस वक्त वो गार्डन में अखरोट खा रहे हैं। तो बुलाओ ना मूलचंद जी को। मूलचंद जी। ये भेड़िया पकड़ नहीं है पाते, खाली हुआ 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 है चिल्लाते। अच्छा, कोर्ट ने भी डांटा है जमकर, क्यों चलवाते हो बेवजह बुलडोजर? समाजवादी आएंगे तो भेड़िए पकड़े जाएंगे, ठीक है। अन्याय के बुलडोजर पर ब्रेक लगेगी सुधांशु जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में कितना कब्जा किया हुआ था,
कितना गैर कानूनी कब्जा इन्होंने अपने लोगों और अपने समर्थकों करवा रखा था। और यह सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, मायावती जी की सरकार भी यह बात कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी कैसा कब्जा कराती है और वो कब्जा छूट रहा है, इस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही। और एक लाइन और कह दूं, अनुराग भदौरिया जी भी एक बार मेरे साथ डिबेट में रह चुके हैं, जब योगी जी ने विधानसभा के पटल में बोला था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम स्प्रिंग की तरह उछल कर अखिलेश जी ने कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं, तो समझ में आ रहा था कि अरमान किसके मिट्टी में मिल रहे हैं और किसके अरमान टूट। हम तो दिल्ली वाले हैं, हम तो दिल्ली को ही चाहेंगे ना कि हमारी सपोर्ट जो है सिर्फ केजरीवाल। ये भाई सब बड़े कह रही, मोदी जी ने कौन से झंडे गाड़ दिए कुछ बताएंगे? अब देखिए, दिल्ली में रहती है ये, मेरे से ज्यादा उम्र की होंगी, ठीक है, मेरी माँ की उम्र की होंगी। अभी इन्होंने बात की थी केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बसें फ्री चलाई है, ठीक है, साथ में पिंक ठेके भी खुलवाए, इतनी माँ बहन की परवाह है उसे, ठीक है। वो बच्चों की कसमें खाते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, जल घोटाला, पानी वो बिजली घोटाला, हाईवे घोटाला, शराब घोटाला, क्यों ले लिया इतना कुछ? जेल से सरकार चलाने की बात की आपने, जेल से तो गैंगे चलती है, लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है, नीरज भवाना चला रहा है, बताइए आपने अस्पतालों की दवाइयां फ्री, सुनिए मोहल्ला क्लिनिक खुलने में जगह जगह, पत्रकार महोदय मेरी राय लेके एक बार आप जाइए वहां पर और मेरे को बताइए कैसी दवाई मिली आपको, फिर आप आके बात करना, हाँ दवाइयां फ्री मिली, कैसी मिलती वहाँ पर? इस मैगी और जेब कतरे मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, वो इंजेक्शन लगाते हुए मिलेंगे, कभी भी जाना वेलकम की पुलिया पे खुला हुआ है, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक तीन बार जा चुका हूँ मैं, तीनों बार मुझे वही मिले। एक लड़की का लाइफ का प्राइस है 10 लाख रुपीज, उसको मम्मी को ऑफर कर रही है, आप लोग 10 लाख रुपीज ले लो, केस सॉल्व कर दो, रफा दफा कर दो, एक लड़की का प्राइस, प्राण का प्राइस, तुमको हम लोग 10 लाख रुपीज देंगे, तुम अपराधी को लेके आओ हम लोग के सामने। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लाला जो है मान लीजिए जैसे तलाक दे दिया है ना, और अगर वो लड़की दोबारा अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है तो उस पीरियड में जैसे देवर हुआ, जेठ तो हो नहीं सकता, देवर उससे हलाला होता है। अब ये प्रथा चूंकि पहले से चली आई है, अब इतनी जल्दी इसको खत्म करना तो मुस्लिम इसके नहीं राजी होगा। जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा देश बनेगा हिंदुस्तान में। ये जो वो दिन कभी नहीं आएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू को काफिर बताया गया है तुम्हारे कुरान में। राम राम। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही अपने देश और धर्मों से प्यार करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।